चिंटू को मैसेज कर दिया चिंटू भाई अनुने भाई को बोला मिले। यीशु की गर्लफ्रेंड को भी ढूंढ रहा था। हे गाइस, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज मतलब यार आजकल नींद बड़ी आ रही है क्योंकि हम पूरा सुबह से लेकर रात तक घूमे जा रहे हैं ना, इसलिए थकावट हो जाती है। क्वाइट पैट पीक है, वैसे नॉट क्वाइट पैट पीक है। सुबह सुबह हमने कल रात को रील बना ली थी, पहले व्यू देख लेते हम जाके गपशप लगाते हैं। सुबह सुबह हमने पैपरी की रील बना ली थी इसलिए मस्ती खोर हमने मजे आ गए। एक तो एक मस्त नहीं देना, तू कहाँ उठा था साले, तेरे को मैंने बोला 9 बज गए उठ साले। एनी हमने सुबह सुबह रील ला ली थी। एक तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब लोग सिर्फ इमोजी लगाते हैं। अबे सालों, जब मैं इतने लंबे लंबे रिप्लाई करता हूँ तुम्हें, तो तुम भी लंबा लंबा लिखो ना कमेंट ना, वही तो आग ला के भेज देंगे। मन नहीं करता लगा रहा था फायर, अबे किस में आग लगा रहा तू। एनी हू, आज का प्लान क्या है, कहाँ जा रहे हैं? आज का प्लान है हम लोग जा रहे हैं इस्लाम नगर, वहाँ एक दो फोर्ट वगैरह कुछ है। इस्लाम नगर जा रहे हैं हम, वहाँ फोर्ट फूट देखने। अबे आज बाकी तो आज बोले चलिए, हाँ आज ले लियो फेक ड्रोन। हमारे पास दो रील हो चुकी है, दो तीन और पैपरी की शर्ट ले लेंगे फेक ड्रोन से। बढ़िया, वरना कल का जो है भीमबेटका वहाँ भी हो सकता है। बढ़िया, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हाँ फेक पैपरी है, चलो गप शप लगाते हैं। पानी कूटेगा समझा, ज्यादा मत कूटोगे, ज्यादा मत। आ गया अपनी फेवरेट रेड पे। रेड आपके चक्कर में मैंने कल रेड नहीं पहनी, फिर फोटो वोटो अच्छी नहीं आती। ये बेस्ट है येलो एंड रेड। मॉर्निंग मॉर्निंग ओके कह जाए तो पापड़ी का हमने ब्रेकफास्ट ले लिया, सब कुछ ले लिया। बूम सर गाइस, बस हमें कैपेचिनो पैक करा रहे हैं, उसके बाद निकल रहे हैं। गाड़ी भी आ गई है यहाँ पे, क्विक पे भी की। सर गाइस, हम आज जा रहे हैं पहले इस्लाम नगर। यहाँ पे ना तीन पैलेसेज हैं। पैलेस का नाम होता था जगदीशपुर। ये सारी हिस्ट्री बताइए पीछे वाले भैया ने। यहाँ पे एक है राजमहल का, एक कौन सा है, एक रानी महल, राजा महल, राजा महल और एक चमन महल। कौन महल, कौन सा, कौन महल, कौन चला गया वो है यहीं पे। अच्छा है कौन कौन है, मेल हू शंतर पढ़े थे कोई शूट, क्या बाल जा रहे हैं, किसके गाइस पापड़ी की शूटिंग चल रही है। कौन बिरंगी बाबा, कौन है ये? नाम लिखे थे मैंने टीवी में। अच्छा लिखे क्या? मैंने वेब सीरीज चल रही है। टॉलीवुड होगा ये, रे पापड़ी की स्टाइल्स। थार भी आ गई यहाँ पे। ये तो यार आश्रम की शूटिंग चल रही है। कौन सी आश्रम? अरे आश्रम वेब सीरीज नहीं थी, बॉबी देओल। सो गाइस यहाँ पे पापड़ी की शूटिंग चल रही है, मैंने तो कभी शूटिंग देखी नहीं। यहाँ से भी आवाज आएगी, शू शू करे जा रहा है। चलो चलो तो आवाज आ रही है। क्या 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 करें, क्या ऐसे आ रहे हैं भाई यार शूटिंग के चक्कर में, हमें पता नहीं कोपचे से निकाल रहे हैं साले। रैपिंग अभी एक स्टोरी डालेंगे भोपाल से लौंडे। मैं आ जाता हूँ, तूने हमें पकड़, मैं जोर से बोलूंगा कट। चल चल रहा होगा नीचे, जैसे चल रहा होगा बीच में बोलेंगे कट, जोर से बोलो। चलो चलो अरे यार आप जल्दी चल गए। अभी यहाँ शूटिंग चालू है, हम दूसरे वाले हिस्से में जा रहे हैं, चमन महल बोलते हैं इसको। तो इसमें क्यों नहीं जा रहे, अभी इनका अंदर से ट्राई करेंगे कि हम पीछे वाले रास्ते से जा सके। बट बेसिक जो सबसे इम्पोर्टेंट पैलेस है वो यहाँ है, उसको चमन महल बोलते हैं। चमन चमन महल। हाँ अब यहाँ पे वो बैठा होता कौन, अरे यार अरे उसका नाम वो नहीं देखा आपने, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है, उसमें जो हीरो था वो डायरेक्टर बना हुआ है। अच्छा? जो वो नहीं कहता अच्छा इधर आओ, याद नहीं आपको? अच्छा गाड़े थे, कहाँ गाड़े थे वो है। चमन महल वो क्या हुआ सर, एक लेडी थी, वो उनका नाम था मां मामोला। वो एक्चुअली वो थी एक्चुअल लीडर, और बच्चे जो लड़के थे ना वो आगे रूल करती थी, पर वो संभालती वो थी। उनका नाम कभी हिस्ट्री में आता नहीं था पीछे। बट जो फर्स्ट लेडी थी उसका नाम था गोहर बेगम, कुदिशिया नाम था एक्चुअली, पर उनको गोहर बोलते थे। तो उनके हस्बैंड की हो गई डेथ जल्दी, जब वो बहुत छोटी थी 18-20 साल की। जब उनकी डेथ हुई तो ये लेडी ने बहुत स्ट्रगल किया, पर ब्रिटिशर्स ने इनको हेल्प किया तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो भोपाल की पहली बेगम थी ब्रिटिशर्स। हाँ, पर उन्होंने 2 साल ब्रिटिश के साथ काम करके ब्रिटिश वाला जो वो रहता है ना एग्रीमेंट वो तोड़ दिया। दीदी अभी सब कुछ इधर था, इधर से उधर शिफ्ट कर दिया दो सेकंड में। सो गाइस ये दूसरा वाला है महल, इसका नाम क्या है? ये है रानी महल। हाँ लग भी रानी का रहा है।
वाइट पैब्रिक है, बतख बुतख भी है इसमें। रूम्स है साइड में, बारह दरिया है, ओपन एरिया है, ऊपर रूम्स है। अच्छा रूम्स वर्किंग है, यहाँ पे रहते हैं लोग? नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है। हाँ बट पैलेस था रूम्स के लिए। पानी वानी पड़ा हुआ है यहाँ पे तो? छोटा पैलेस है। सो गाइस ये है रानी महल, जल महल का अब विकसित रूप। डी रानी उधर से, अभी रानी आएगी। व्यायामशाला भी है, जिम, शूटिंग वाला ने माँ बहन कर रखी है पूरे इसकी। अबे तो बढ़िया वो बनाया हुआ है कसरत वसरत। अच्छा ये शूटिंग के लिए बनाया हुआ है, वो ये भी है। शूटिंग की वजह से हम ऐसे निकल रहे कोपचे में से। कोपचा पैकअप, पैकअप हो गया। अंदर आ रहे शूट करने जाए, मचा रहे। हाँ अंदर नहीं जाने दे रहा हमें। मैंने क्यों भाई, बिल्डिंग तेरे पापा की है। बिल्डिंग तूने खरीद ली साले। भाई वो जो अखाड़ा कूड़ा था वो पता लगा, वो शूटिंग का था, वो महल का नहीं है। मैं कहूँ महल तो ये उसका था, महल बड़ा एडवांस था, 300 साल पहले अखाड़ा चल रहा है। वैनिटी वैंस को टैपिक है। सो गाइस हम आ चुके हैं एमपी के पापड़ी के पहाड़ों में, मतलब यहाँ पे थोड़े से पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं। लेफ्ट राइट में, लेफ्ट में पहाड़ हैं छोटे मोटे, ग्रैंड कैनियन टाइप पहाड़ हैं यहाँ पे, मतलब अंदर से ग्रैंड कैनियन है, ऊपर से जंगल में बंगल किया हुआ है। विध्यांचल मैं स्टोरी से बताओ कुछ बढ़िया सी पापड़ी की, रोड ट्रिप स्टोरी। कौन सी कोई पापड़ी की स्टोरी बताओ ना पहले, उनसे सुन लेना। वो विध्यांचल माउंटेन बता रहे हैं। ओह गाइस तुम बताओ, तुम्हें विध्यांचल माउंटेन्स देखने की पापड़ी की स्टोरी सुननी है? मैं बताया कुछ बढ़िया स्टोरी सोच के, मैं बताता हूँ ना यार। क्या? जब भी रक्षाबंधन होता था ना तो मेरी जान निकल जाती थी। तो मैं तो मैंने कहा यार इनको क्यों पैसे मिल रहे हैं, मुझे भी पैसे चाहिए। तो मैं छुप जाता था कहीं पे, मैं कहा मेरे को नहीं करने हैं। हाँ तो किसी ना किसी बहाने उनसे लड़ाई कर लेता था। हाँ किसी छोटी सी बात के ऊपर बस लड़ लेना। हाँ। बस अब मैं राखी नहीं बंधवाऊंगा, मैंने राखी नहीं बंधवानी इनसे। अरे भैया राखी साल में एक बार आती है। पैसे मैं ही देता था इसको। अच्छा इनको दे पैसे, इसकी जान निकलती थी। जान निकलती, इतने पैसे मैं अपने हाथ से उनको। फिर ईशिता के बोर्ड के एग्जाम थे ना, जो मेरी छोटी वाली बेटी है ना, तो ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ी है। तो इसकी उससे बड़ी लड़ाई होती थी, बड़ी से तो डरता था, उसको ये डराता था। तो ऐसे ही किसी बात पे उसको बोल दिया, तू रात को 9 बजे ना हमें फोन दे दिया करेगी, फोन अपने पास नहीं रखेगी। नहीं आपने बोल दिया था उसको कि 8 बजे के बाद फोन नहीं अलाउड। उसके पास फोन होता था, मेरे पास छुपा के फोन होता था, किसी को पता नहीं होता था मेरे पास ये फोन है, और उसको तुम लोगों ने फोन दिला रखा था। तो तू छोटा था, तेरे को कहाँ से दे दे। अरे तो उसको फोन दिला रखा, मेरे को भी दिला। अच्छा तो फिर जैसे ही 9 बजते थे, मम्मी फोन ले लो, फोन ले लो, फोन ले लो, मतलब 1 सेकंड भी ऊपर नहीं हो सकता, फोन ले लो उसका। और उनको ब्लैकमेल कितना करता था, कोई उसकी बात पता चल गई या कुछ, इतने पैसे दे मेरे को, नहीं तो मैं भी मम्मी को बता रहा हूँ। दे दिया पैसे वो, तो मैं मम्मी को बता रहा हूँ। रोहन के साथ, तो रोहन जो उसका हस्बैंड है, उसका उस टाइम पे बॉयफ्रेंड था, तो मैं बोलता देख मम्मी को पता नहीं है, मैं बता दूँ तेरा बॉयफ्रेंड है, 500 रुपये दे। ब्लैकमेलिंग तो शुरू से करता आ रहा है, तो तेज होना चाहिए ना मम्मा। ब्लैकमेलिंग पैपी के, ओ भाई तो जंगल में आ गया, यहीं से इसी गाड़ी में देखेंगे शेर। आप दिखा रहे हो शेर, मेरे सामने आ गया एक शेर, मेन जंगल यही है। तो गाइस अभी भैया बता रहे हैं कि इस वाली अभी जो रोड हमने क्रॉस किया, यहाँ पे टाइगर आ जाता है ऐसी। सही है यार, और किससे दोस्ती होगी, फिर बिठा के ले जाए बेचारा, फिर वो तो फिर उसकी तो समझ ही सकते हो आगे क्या होता है। सोचो कोई अकेले बाइक पे जा रहा है, सामने टाइगर दिख जाए, बहुत लोगों को फिर भागा वो, तो वो सीधे डायरेक्शन में जाता है जहाँ जा रहा होता था, कि उल्टे में वापस भागता है। उल्टे पैर वापस, क्वाइट बेबी। अरे सुवीर यहाँ पे आ क्या कर रहा है? सुवीर यहाँ पे आ गया भाई। साथ में दिखता रहता है, कभी महसूस नहीं होने देता। बंदर तुमने बुटे ने उसको सुवीर को फोन पे भी हंसता है। हम आधी चीजें डाली ना, फिर ज्यादा पार्टी कर ली थी हमने उसको बिठा दिया वहाँ पे, मगर ले पार्टी एंजॉय कर, तेरी ड्रिंक बना दी, बैठ जा वहाँ पे।
सो गाइस कल की आइटनरी पे है भीम बेट का, वो है वर्ल्ड भोजपुर टेम्पल। भोजपुर टेम्पल इट्स द लार्जेस्ट शिवलिंगम इन द वर्ल्ड। शिवलिंगम से गाइस हम आ चुके हैं खाना खाने के टेम्पल के। आज गर्मी ज्यादा है, ये हुडी पहन के ना गलती कर दी मैंने। गाइस देखना बढ़िया चीता बना रखा है। तो गाइस बढ़िया खाना आ चुका है, मस्त एकदम स्मेल आ रही है, रुका नहीं जा रहा, खा लेते हैं। वैसे हमने ब्रेकफास्ट ही बहुत भारी किया था बट ले से आकर ना मैं नाक खुल गया तो मुझे स्मेल ज़्यादा आ जा रही है और जैसे जैसे स्मेल आती है ना वैसे वैसे फिर वो अंदर की इंस्टिंक्ट बढ़ जाती है। गुड डे टू यू। सो गाइस हम जा रहे हैं जंगल सफारी में, इनोवा में। लेफ्ट जाना है? हाँ लेफ्ट। ओ भाई तो रोड ही नहीं है। अच्छा अभी तो देखे थे हमने वाला फुर्तीला नहीं होगा इधर का, बहुत फुर्तीला रहता है। अच्छा फुर्तीला है उधर का, तो सो रहा था बेचारा, सोता रहता है उधर का, वो उधर का ऐसे पड़ा हुआ था वो। हमने कहा यार कुछ करो, खेलो वालो, खेल नहीं रहा बेचारा, वो बालू खेल रहे थे। किसकी तरह? बबलू छोटे की तरह लड़ रहा है। अबे कमेंट्स पढ़ता रहता है। दो तीन ने लिखा है। तो आयन कभी खाने आपके साथ? अच्छा रात के टाइम ज्यादा निकलते हो? हाँ रात में ही चलते सर। कहीं सो रहे हो और आ गया कह रहे हेलो हाउ आर यू? आज हम पेट्रोलिंग करेंगे। आराम करो। गाइस ये पहला जंगल है जहाँ पे गाड़ी से उतर रहे हैं, नहीं तो अलाउड नहीं होता कहीं पे सफारी में जाते ना। अब मुझे तो डर ही लग जा रहा है, यहाँ से आएगा चीता खा जाएगा। चीता भी पीता है। ओ बावली, इसमें क्या करते हैं, डांस करते थे लोग? चमगादड़। सो गाइस यहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ भटक रहे हैं। ओ तेरे दोस्त आ गए, जा मिल के उनसे। जाओ ढूंढ के तो आए घूम के। सो गाइस हम जा रहे हैं किसी और किले पे, ये खाना खा के ना ठप हो जाते हैं, फिर चलने चलने का मन नहीं करता। 800 साल पहले गोंड राजा निसाम शाह ने ये किला बनवाया था। उसका लड़का था नवल शाह और उनकी पत्नी थी कमलापति। उसने ये किला बनवाया था सुरक्षा के हिसाब से। आप जो किला देख रहे हो ना, ये किला पूरा अंदर से पोला है। क्या है पोला? क्या होता है? खोखला है। अच्छा खोखला है। तो इसका ये जो महल देख रहा हो ये फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर, बाकी ये इसके 5 फ्लोर जमीन के अंदर बने हुए हैं। जल्दी खींचो इसकी फोटो, दोनों की आनी चाहिए। अरे कहाँ गई? हमेशा ठंडी जगह में। बोरी बोरी प्रजापति आक्रमण। गाइस ये पप्पू बनाने वाला एक कोयल लग रहा है, पेंट कर दिया। भाई मैक्रो शॉट ले लिया। I see a train moving on too fast but I'm not leaving. तो गाइस ये हम पहुंच चुके हैं कोलार डैम टैपरी का। इधर देखो खाली है, इधर देखो पानी ही पानी है। ब्रिक डैम वो पहन दी ओए, गया था भी मैं। अबे यहाँ डैम से पानी का जाएगा, ये तो पेड़ है नीचे। रुका हुआ ना यहाँ जाने के लिए, रुका हुआ इधर तरफ जाएगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, चला जा चले इसमें। माँ के देख के तो आए नाव में। तो गाइस हम जा रहे हैं बोट की तरफ। प्यार की कश्ती में लहर की नश्ती में, कोई मुझे मना कर दे ना तो फिर मुझे चुल हो जाती है। अब तो डबल करूंगा मैं। टिनी 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 नी। यार ये जॉर्डन ना सड़ चुके हैं मेरे, वो ट्रैकिंग वाले ज़्यादा बढ़िया हैं। कहीं भी बढ़िया चल मचते हैं। गाइस जाते तो बढ़िया सनसेट हो गया एकदम पापड़ी के स्टाइल। पता नहीं किसकी बोट है आधी डूबी हुई है, ये तो प्यार की कश्ती हो जाती है इसमें। गाइस यहाँ पे सनसेट का ज्यादा पापड़ी का होता है, मतलब मजा ही आता है। कल भी देखा ना होटल से क्या मस्त लाइन दिख रही थी। शादियाँ बड़ी हो रही है यहाँ पे, शादियों का सीजन है भैया। ये करण साइकिल बहुत दोगला है, मेरे सारे कमेंट्स डिलीट कर देता है। मैं उसके हर पोस्ट पे कमेंट करता, सारे कमेंट्स डिलीट कर देता है मेरे। अभी मैंने इतना मस्त कमेंट किया है, जिंगी नहीं डिलीट करती है। बदमाश लौंडा आ चुका है वापस और आके कहता है भैया हम यहाँ जा रहे हैं, 10:30 बजे खत्म हो जाएगा। मैं कहूँ साले 10:30 बजे खत्म कैसे होता है? अरे तू नेता आदमी है, खुलवा दे, बोल भाई आया है पार्टी करेंगे। ऐसा नहीं होता, सब निकाल दे, तेरा ही कमरा है यार, आजा मेरी गोदी में बैठ जा, आजा।
सो गाइस आज भाई जी वैगन लेके आए, हम जी वैगन में जाएंगे कापरी को, देसी जी वैगन। ओबे देसी जी वैगन, ये देखो, देख रहे हो इसकी चाबी सेम थार जैसी है। चेने, 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 चेने। अबे सीट भी जी वैगन की तरह है। पैपरी के चाबी लगती है इसमें, पावर स्टीयरिंग है ना। 2021 मॉडल। श्योर डियर। जी वैगन अनलिमिटेड। कहाँ जा रहे हम? We are going TDS. TDS, TDS क्या टूथब्रश सिचुएशन खेलेंगे? Ten Downing Street. हम जा रहे हैं पार्टी करने हैं आज. Saturday night है, हमने सोचा पार्टी करने यार. Yes. Yeah. यार शादी क्रैश कर ले. शादी क्रैश कर दिया, पिटाई हो जाएगी अब. शादी कर. जो तो मास्क पहन के छुपा के जाना पड़ेगा. ये वाला. गुंडे, गुंडे वाला. तुम क्या इलाहाबाद से लेके आओ क्या? बम बम कर देंगे तुम्हें। आपको चाय पसंद है? टिगमांशु धूलिया। हम कहाँ जा रहे हैं? राजू चाय, राजू टी स्टोर में। उसका मैसेज आया था मेरे पास, टिगमांशु फरहान कुरैशी ओनर है उसका। फरहान कुरैशी? फरहान। हेलो, वो कौन है? He's a owner. फरहान कुरैशी कौन है? उसका ओनर है राजू टी स्टॉल का। अबे है कौन? एक्टर है? एक्टर नहीं है, मॉडल है, एक्टर भी है। oh. सीरीज में आ चुका है, ब्लू टिक है उसके पास भी। oh. ऐसा तो कल उसका मैसेज आया था भाई के पास। हाँ, आपका देखा होगा। तो बोला यार इनको राजू टी स्टॉल लेके आओ यार, इनको अभी वहाँ उन्हीं। उसने बहुत अप्रोच लगा लिया, उसने गाइड को भी पटा लिया। गाइड गाइड भी तो कह रहा है राजू टी स्टॉल लेके चलेंगे आपको। अपन चलेंगे, अपन चलेंगे। हम कल जा रहे हैं वैसे, तो मैं आ जाऊंगा। चल ठीक है, तू दहेज में आ जाओ। हाँ, वैसे दहेज में चिपक चुका है अभी, जा नहीं रही है ये। नॉक बिना नॉक करे कमरे में आ जाता है। हम जा रहे हैं पार्टी करने अब मिलते हैं। बहुत हमारे डीबी सिटी में, यहाँ पे बढ़िया मॉल है। यहाँ का, यहाँ पे एक ही मॉल है, दो तीन मॉल है, यहाँ पे तीन चार मॉल है। तो ये सबसे बड़ा मॉल है, सबसे बड़ा मॉल। तो ये है जीआईपी, नहीं जीआईपी तो बहुत फेल हो गया, ये है डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया। ये है मॉल, ये है दुबई मॉल, भोपाल का दुबई मॉल। दुबई भोपाल है, इसके अंदर क्लब है, तीन चार क्लब है। चलो चलो देखते हैं कौन सा है। साले तो बिग चिल लग रहा है साले, क्लब और लाउंज में फर्क पता है? क्या बोल रहे हो? नहीं, क्लबिंग करते हैं इधर लोग। है? हाँ, वो उधर डिचिंग होता है। चल डिचिंग। इट इज बेस्ड ऑन द क्राउड, क्राउड अच्छा है तो देखो। अब एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी हमें? एंट्री नहीं मिलेगी। वो कह रहा है अरे मैं बस चलो। तो गाइस कान दर्द हो गया, ऐसे बचपन का याद, मतलब सीन याद आ गया ना, मुझे पता नहीं रहा। ये एक क्लब, ये दूसरा क्लब पिक्चर्स। अबे तू, तेरे को लड़की मिली, तू भाग गया भाई। इतने मजे आए ना, मतलब बता नहीं सकता। थोड़ी देर बेचारे को लड़की मिली थी, फिर बाउंसर ने भगा दिया इसको। फिर पूरी सबने जान लगा ली, सबने बाउंसर ने सबको भगा दिया। कहते तुम इतने सारे लड़के हो यहाँ पे, तुम स्टेज पे आके डांस नहीं कर सकते। मतलब पूरा 12वीं क्लास का मुझे सीन याद आ गया। हम ऐसे जाते भगाते लोग। बड़ा मजा आया, ऐसा भी होना चाहिए मतलब लाइफ में ना, औकात याद आनी चाहिए। ये जा रहा हूँ उछल उछल के, बाउंसर कहता है स्टैग्स नॉट अलाउड। बढ़िया थी, बंदे पे बंदा, बंदे पे बंदा था। पर मुझे आधी टाइम मुझे लग रहा था क्लबिंग चल रही है, आधी टाइम मुझे लग रहा था गैंग्स ऑफ वासीपुर चल रही है। भाई तेरे साथ आके सारे लोग हाथ मिलाए जा रहे हैं। मैंने कहा दोस्ती है, पहचान के है। मैंने कहा अब इस नेता का बेटा है, अब उस नेता का बच्चा है। हम है मॉल के अंदर, अब हम जा रहे हैं घर, पार्टी खत्म जा रहे हैं, अभी खाना खाने जा रहे हैं। खाना खाने जा रहे हैं? तेरे पेट खाएंगे, तू अपना पेट मेरे अंदर दे रहा है ना। थोड़ा थोड़ा खाएंगे, थोड़ा साले। मैं जब बचपन में जाता था ना, मैं देखता था जो स्नैक्स खा रहे हैं ना, मेरे को लगता था पता नहीं कौन से अंकल है स्नैक्स खा रहे हैं भाई क्लब में आके। अब अगर मैं वहाँ पे जाके स्नैक्स खा रहा हूँ, तो मुझे लगता है मैं कौन सा अंकल हो गया। हम नहीं खा रहे स्नैक्स ना, हम खाने खा रहा, हम पार्ट करेंगे पार्टी। बंद कर रही कैमरा यार। अरे खा ले कुछ, पेट से होगा, मेरा पेट भर गया यार, पेट से होगा। पेट भरा हुआ है, पेट से होगा भाई। चीज नगेट्स खाई थी, चीज नगेट्स बन जाओगी, चीज बॉल था वो। हां भाई, ये नगेट्स बॉल से। तो गाइस हम वापस उस जगह पे आ गए। अरे गाइस तो जाने दो, एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर। इनको वापस मैसेज आएगा कि नहीं नहीं इसको वापस लेके हम खाना खिलाएंगे अच्छे से। तो अभी भूख तो है नहीं, बट हम पैक करा के लेके जा रहे हैं। रूम में खाएंगे अच्छी तरह यार। पर पेंडिंग तो बड़ी बढ़िया है यार इसकी, लड़की नहीं मेरी लड़की। आंटी सिगरेट पी रही है और ऐसे घूर के देख रही है मैं। वो दिखाओ यार, ये आंटी चले गए। ये आंटी देखो भाई, आंटी ने अभी बटर चिकन खाया है।
बटर चिकन चावल खाए ऐसे देख बटर चिकन खाए करिए तुम खाओगे कि नहीं खाओगे तुम्हारी माँ का ऑर्डर है ऑर्डर आपके रूम पे कॉल कर लिया कि अनु ने आया ही नहीं है हमने कहा हमने पागल हो गए फोन लगा ला के 200 कमेंट कर दिया अभी मैंने उसको बोला मेरे को अब अभी तो निकले हम आप मिनट पहले सुनो तो झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा है नहीं नहीं सुनो तो मैं कोटियाड के गेट पर गाड़ी आड़ी खड़ी हुई थी एक घंटे से पाजी मेरे को कह रहे हैं कि अनु ने है ही नहीं मैंने कहा मैं रूम ले रहा हूँ मुझे नहीं पता अनु ने मेरे को आज मिलना है मैं नहीं जानता अरे पार्टी करते वाले अरे करण भाई को फोन किया करण भाई आसनानी भाई सबको फोन कर सबको हमने कंटिन्यूअसली वो कर लिया मैसेज गर्लफ्रेंड वेट कर रही है अरे ये आपकी बहुत बड़ी फैन है हाय व्हाट्सअप ये रो रही है दो दिन से तुम्हें वेट करा के रखा हुआ है हम तो हमें पार्टी में हमने आपको अभी तक हां एग्जैक्टली ना मैसेज जैसे दर्द दर्द नीचे चले जाते हैं ठीक है इसका दिखता नहीं है आ जाओ ना आ जाओ हम आ जाओ ना आप ऐसा बोलते हो सारे पार्टी करेंगे अबे ये भी तो आया भाई इसकी गाड़ी चला रहा है ये भी तो आया ये सीधे रूम में घुस गया ये आते हैं अबे मीटर अरे आप रूम में हो तब तो घुसेंगे ना हम चाह रहे थे आप थको ना परेशान ना करें आपको हम बहुत प्यार से मैं थकता नहीं अब देख 12 अब अभी कितने बजे अभी प्लान आपको किडनैप करने का है अब भोपाली वाले करेंगे भाई घूमना जाए घूमना जाए डेफिनेटली पैना मीटअप ठीक है बिल्कुल इसकी 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 लड़की छूट गई आज इसको भाग से नहीं बोला भागो ऐसे आपने जितने बंदों को टैग किया ना सबको हमने कांटेक्ट कर लिया भाई कोई फोन उठाने को तैयार वृंदा को चिंटू को मैसेज कर दिया चिंटू भाई अनु ने भाई को बोला यीशु की गर्लफ्रेंड को भी ढूंढ रहा था तो पहले तो ये कहाँ कहाँ घूम रहे हो भोपाल आप आप यकीन नहीं मानोगे ना बताओ तीन दिन से हम आपने आपने पहले दिन पहले दिन ये आ गया ये देख भाई सीधा रूम में आ सारे लड़के कोई दिक्कत आपने सीधा रूम में आया आपने पहले भैया आपने आपने पहले कुछ भी और क्या तू ऐसे आया था मैंने ये नहीं बोला कौन हो आपने कहा हेलो कौन हो कहता गाड़ी में बैठो चलो मैं घुमाऊंगा चलो ये कहता मैंने व्लॉग देखा अंकल आंटी दूसरे रूम में रुके अनु ने दूसरे रूम में रुका अरे मैंने कैसा हो गया बालकनी दो बालकनी छोड़ के रुके मुझसे लास्ट व्लॉग मिस हो गया दो बालकनी छोड़ के चलो अभी पार्टी अभी हम पार्टी करेंगे अरे आज तो धूम मचा देंगे के पीछे अरे मुझे दो तीन एमडी ले आओ यार अरे आपका आपका वो बंदा आया था ना आप दुबई में वो अपना जो जिसको विकी कौशल के नाम से चढ़ाते थे उसको तक को मैसेज कर दिया वो क्या कहता कहता भागे से वो मेरा फोन उठा तेरा क्यों सबको मैसेज कर दिया वृंदा वृंदा को परेशान कर दिया वृंदा को अरे भाई कोई बता ही नहीं रहा कि अनु ने मिलेगा कैसे चलो मिल गया ना हाँ पता लगाओ दया ये दया है ये दया है दया दरवाजा तोड़ो इसके सर का दरवाजा तोड़ो So guys, आज पार्टी रात को भाई हमारे रूम में हो रही है ब्रेक के साथ ही पहले 12:30 हो रहे मैंने कहा फ्लाई फाइल्स अपलोड करूं नहीं तो गौरव 12 बजे तक शांति कर भैया अबे भोपाली में बोलो ना तुम अरे हां भैया मैं भैया देखो हमें भैया बाबा का इंतजार कर रहे थे इतने टाइम से बाबा मिल चुके हैं दिल को एकदम ठंडक पहुंच चुकी एकदम कर रहे हैं टोटल भोपाली कर रहे थे हम लोग का मुझे सिखा दो गालियां सिखाओ चलो भोपाली में सिर्फ एक गालियां ये क्या है मैं बोलूंगा मैं मकड़ी नहीं हूं फिर मारे मतलब इमोशन है आप ये मान लो ठीक है कल से शीशा नीचे करके बोलूंगा बस बस साइड हटो वो बोलेगा भाई आप पहले हम बाद में आएंगे आप पहले सो गाइस आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो हम मिलेंगे कल ब्रेक इट सर्विस के साथ बाय